सो वेलकम बैक टू माई चैनल द अंबरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी गले की, तीरे की और कंधे की कटिंग करना, और इसके बाद कट वाली पट्टी बनाना और बैंड लगाना। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को एंड तक। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइडों की कटिंग करी हुई है और इसको नीचे से नहीं खोला क्योंकि मैंने लंबाई में कटिंग करी है। इसके बाद अब हमने ऊपर गले की कटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर हमने तीरा अलग से लगाना है तो बैक साइड को इतना छोटा रखेंगे, 1.5 या 2 इंच। और अगर आप बच्चों का तीरा बना रहे हैं तो इस तरह से बैक साइड को बड़ा रखेंगे उतना ही जितना बैक साइड को छोटा किया था। तो बैक साइड को आगे की तरफ करके तो तीरे की सिलाई लगा लेंगे, अलग से तीरा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग से तीरा लगाना है और यहाँ पे मैं कटिंग करने लगी हूँ 2.5 इंच चौड़ाई में और इतना ही लंबाई में हम रख के तो यहाँ पे तिरछी लाइन लगाएंगे और इसके सेंटर में से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इसको राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद अब क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे 8 इंच। यहाँ पे मैंने निशान लगाना है तीरे का और नीचे कंधे का निशान हम लगाएंगे 8 इंच और इसको राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद 1.5 इंच यहाँ पे शेप देंगे नीचे की तरफ निशान लगा के, उसको ऊपर गले के निशान से मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, बैक साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करके। बैक साइड की कटिंग नहीं करनी, गले की कटिंग इस तरह से। और इसके बाद कंधे की कटिंग करेंगे और कंधे की कटिंग बैक और फ्रंट दोनों साइडों की होगी। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जिस एज के लड़के की कमीज की कटिंग मैं कर रही हूँ इसकी एज 16 साल है। और आप जिस किसी का भी कटिंग करेंगे उसका माप लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। आप इस तरह से मेजरमेंट यहाँ पे देख के सेम वही वाला नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि एज में और बच्चों के कद में, और वो कोई मोटे होते हैं कोई दुबले पतले होते हैं, तो इस तरह से काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसलिए आप जिसका भी कटिंग करेंगे उसका माप लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फट्टी मैंने तैयार रखनी है 12 इंच और मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। जितनी भी हम पट्टी लंबाई में रखेंगे उसे 1 इंच कम निशान लगा के तो कट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 12 तैयार रखनी है तो मैंने 11 पे कट लगाया है। और अपने उल्टे हाथ मैंने कैंची को इस तरह से दरमियान वाली जो लाइन है उससे थोड़ा सा साइड पे करके तो यहाँ पे कट लगाया है। और इसमें जो फासला रखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी साइड पे करके दरमियान वाली लाइन से मैंने इसको कटिंग करी है। इसके बाद यहाँ पे 2 कटिंग और रह गई हैं और वो ये हैं कि एक तो फ्रंट कंधे की कटिंग करेंगे और दूसरा यहाँ पर जब पट्टी लगाएंगे उसके लिए यहाँ पर 1/2 इंच निशान लगा के और नीचे की तरफ इस तरह से कटिंग करेंगे। पट्टी के अंदर ज़्यादा कपड़ा नहीं आएगा और हमारी नीटली लग जाएगी। इस तरह से निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से भी। ये हो चुकी है हमारी कटिंग कंप्लीट। अब हम करेंगे तीरे की कटिंग। तो तीरे की कटिंग हमने जितनी भी रखनी है लंबाई में डबल कपड़ा लेंगे। तो मैंने 3.5 तैयार रखनी है और मैं इस कपड़े को रख रही हूँ 4.5 चौड़ाई में, और लंबाई में जितना हमने तीरा रखा था क्रॉस बैक उतना ही इसको रखेंगे। माप के कपड़े को बराबर करके तो इस तरह से लंबाई में कटिंग करेंगे। और क्रॉस बैक मैंने रखी थी 16, तो मैं यहाँ पे 16.5 पे कटिंग कर रही हूँ। तो ये 2 तहे हैं, अब ये फोल्ड करेंगे तो ये 4 तहे। अब यहाँ पे हम गले की और ऊपर से कंधे की तीरे की कटिंग करेंगे 2.5 इंच चौड़ाई में, और गहराई में हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच और इसको शेप दे देंगे। और तीरे पे 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगा के इसको ऊपर गले से मिला देंगे, सेम जैसे हमने कमीज़ पे कटिंग करी थी यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही कटिंग करेंगे। सिर्फ गले की गहराई में फ़र्क आएगा, चौड़ाई में फ़र्क नहीं आएगा। और नीचे से ये जो बंद साइड है इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से।
अब इसको रखेंगे कमीज़ इसके ऊपर रखेंगे कि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे हमने जो शेप बनाई है वो किस तरह से है और किस तरह हम रख सकते हैं इसको। तो ये देखें इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कटिंग करेंगे और तीरे से भी शेप दे देंगे सेम वैसे ही जैसे कमीज़ की थी, बराबर कर लेंगे। अब हम करेंगे पैकेट की कटिंग। तो उसके लिए मैंने टाफ बुकरम ली है और 1 से 1/4 ज़्यादा पे निशान लगा के तो इसकी कटिंग करेंगे। ये भट्टी की चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच तक जाती है और कम से कम 1 इंच ही रहती है। और यहाँ पे मैंने 12 इंच तैयार रखनी है और इससे मैं ज़्यादा ले रही हूँ, तकरीबन 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। और इसकी करेंगे कटिंग लंबाई में इस तरह से और जितने पे निशान लगाए हैं उसको अलग कर लेंगे। इसके बाद दूसरी पट्टी जो जिसको कहते हैं बटन टेक भी कहा जाता है वो मैंने 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा के और जितनी वो उतारी है सेम ये भी उतने ही उतार लूँगी। अगर आप सिंपल प्लेकेट बनाना डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद इनको नीट करेंगे साइडों से और यहाँ पर जो कट हमने लगाना है उस पर निशान लगाएंगे। 12 इंच मैंने तैयार करनी थी और 12 इंच से जो एक्स्ट्रा है दरमियान से थोड़ा सा एक साइड पे करके इस तरह से निशान लगाएंगे और 12 से जितना एक्स्ट्रा था उस पे इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा के तो इसको कर देंगे कटिंग। तो हमारी जो पट्टी तैयार है वो 12 ही रहेगी। इस तरह से बड़ी पट्टी पे कट लगा के अब हम इसको लगाएंगे कपड़े पे। कट वाली पट्टी को कपड़े पे लगाने की ये जो ट्रिक है, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, आप जब लगाएंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये अक्सर हमसे गलत साइड पे लग जाती है और लगाते हुए हमें पता चलता है कि ये अब हो गया है, अब दोबारा बनानी है। तो ये वाली चीज़ आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे इसको लगा के तो इसको फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं स्टिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिल्कुल आम सी ग्लू है जो बच्चे यूज़ करते हैं, जिसको पेपर ग्लू भी कहते हैं। ये वॉशेबल होती है इसलिए इसको कपड़ों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। 1/2 इंच की फोल्डिंग करके अब इसको आगे की तरफ फोल्ड करके तो अब हम यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ के तो कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के तो कटिंग कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने 1/2 इंच छोड़ा था इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको ग्लू लगा के अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इसकी तह बिठा देंगे, फिर ये खुलेगी नहीं और हमें सिलाई करते हुए मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक और कटिंग करनी है कि हमारा कपड़ा अंदर ज़्यादा ना हो और नीटली लग जाए। तो इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ से और इस तरफ से कटिंग कर देंगे कपड़े की और ऊपर से भी नीट कर देंगे। कट वाली बड़ी पट्टी तो तैयार हो चुकी है, अब हम बटन टेक वाली पट्टी बनाएंगे। तो उसकी फोल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे इसको प्रेस करके बिल्कुल सीधा इस तरह से 1/2 इंच सारी साइडों से 1/2 इंच कपड़ा लाजमी हो। तो नीचे की तरफ से कटिंग करके अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको भी सीधा कर लेंगे, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी स्टिक ग्लू लगा के इसको नीट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारी ये दो पट्टियाँ हैं अब हम नीट वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये खुलेंगी, जो एक सीधे हाथ खुलेगी एक उल्टे हाथ खुलेगी। ये आप चीज़ यहाँ पे नोट कर लेंगी, अगर ऐसा है तो आपकी पट्टियाँ बिल्कुल ठीक तैयार हुई हैं। तो इसको ओपन करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से उल्टी तरफ कपड़ा इसका करके तो यहाँ पर ये जो कट हमने लगाया है इसको लगाएंगे सिलाई पक्का करके यहाँ से शुरू करेंगे और किनारे तक लेके आके दूसरी तरफ जाके तो इसको सिलाई को निकाल देंगे इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे और किनारे पे लगाएंगे कट
और कोने से भी ये किनारा कट कर देंगे। इसको ओपन करेंगे तो ये नीटली हो जाएगी। अब इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई में नीचे की तरफ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से जहाँ पे ठोका आएगा वहाँ से। तो बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे सेम जैसे हमने कट बनाया है वैसे ही यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब हम आएंगे कमीज पे। तो कमीज़ पे पहले हम बटन टेक वाली पट्टी लगाते हैं और वो भी जिस साइड पे कपड़ा ज़्यादा है कमीज़ के उस साइड पे। सबसे पहले तो हम इसकी लंबाई चेक करके जितनी एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसलिए रखते हैं कि बाद में अगर कम ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हमें मसला नहीं बने, दोबारा नहीं बनानी पड़े। तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ इसको कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट करेंगे सिर्फ ऊपर से, इसलिए कि हमने यहाँ पे बाद में कट लगाना है तो अंदर ज़्यादा कपड़ा नहीं हो। तो कमीज़ पे मैंने तहें बिठाई हुई हैं जहाँ पे मैंने पट्टी लगानी है। तो इस तरह से इसको शुरू करेंगे। और अगर आपको इन तहों का नहीं पता कि ये कैसे बिठाते हैं और हमारी पट्टी बिल्कुल दरमियान में कैसे आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी पहले वाली ब्रैकेट वाली वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से ब्रैकेट को लगाने का तरीका बताया हुआ है। तो इस पट्टी को इस तरह से बटन टेक वाली पट्टी को लगा लेंगे। ये हो चुकी है रेडी। इसके बाद जो दूसरी पट्टी हमने तैयार करी है उसको लगाएंगे। इसमें हम शुरू से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा देंगे, यहाँ से बराबर करके बिल्कुल शुरू करेंगे और जितनी हमने ये तय बिठाई हुई है इतना ही हम इसके अंदर कपड़ा करेंगे। और नीचे की तरफ से भी हम कपड़े को पुश करेंगे आगे की तरफ के, हम जब सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाला कपड़ा भी सिलाई में आना चाहिए। इस तरह से इसको सिलाई लगा के जब कट के नज़दीक पहुंचेंगे तो नीचे की तरफ जहां पे कट है वहां पे पट्टी पे इस तरह अंदर की तरफ कट लगा के और नीचे की तरफ कट लगा देंगे। और नीचे कपड़ा करके जितना पट्टी का है उतना, और ये अब ऊपर आ चुकी है हमारी पट्टी क्योंकि हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे इसको बराबर करेंगे पट्टी को ऊपर से, और जितना यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ठोका बनाएंगे। अब साइडों से जो कपड़ा है उसको भी अंदर कर देंगे कि यहाँ से हमारे धागे नहीं निकले बाद में। बिल्कुल किनारे पे आके तो इसको टर्न करेंगे। अब नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे वो भी बिल्कुल सीधी। यहाँ पे भी जो कपड़ा है उसको मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ कि यहाँ से धागे नहीं निकले बाद में। अब हम यहाँ पे ठोके का पहले निशान लगाएंगे, जितना आपने ठोका रखना है 1.5 इंच 2 इंच जितना भी रखना है उतने पे निशान लगा लें बिल्कुल सीधा, तो उस सिलाई को उतना आगे लेके आके इस तरह, तो इसके ऊपर सिलाई लगाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि अब जहाँ पे भी आप ठोका लगाएं नीचे वाली पट्टी आपकी जो है वो ठोके में आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पक्का नहीं किया सिलाई को और ये मैंने धागे को काट दिया। अब जो फ्रंट साइड पे कपड़ा धागा है सॉरी उसको हम बैक साइड पे लेके आएंगे इस तरह से, और इसको लगाएंगे यहाँ पे गिरा लगा देंगे और ये हमारा सिक्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ये हमारी ठोके के ऊपर ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं आएंगी,
ये ट्रिक करने से। तो ये एक ही सिलाई में फुल हमारा टोका रेडी हो चुका है। टोका बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे नीचे वाली पट्टी पे। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया, जितनी गहराई में वो रखी है उतनी ही, और इसको इस तरह से कट कर देंगे दरमियान से थोड़ा सा आगे करके चौड़ाई में। ये आप देख सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ पे इसको कट लगाया। अब ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये सारा कपड़ा हम इसके अंदर कर देंगे इस तरह से। किसी चीज़ की मदद ले ली, नुकीली चीज़ ही, लेकिन इतना हो कि हमारा कपड़ा फटे नहीं। हाथ से कर लें तो ज़्यादा बेहतर। इसको अंदर करके फिर चेक कर लें कि कितना हमारा रेडी हो रहा है, अगर कम है तो इसको अंदर करके ठीक कर लेंगे। ये हमारी कट हमारा पट्टी पे, दोनों पट्टी पे लग चुका है। अब इसको लगा लेंगे यहाँ पे सिलाई। अब यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। कोने पे और इसी तरह नीचे की तरफ यहाँ पे इस पट्टी को सिलाई लगा लेंगे। ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीटली हो चुका है। अब हम लगाएंगे तीरा। तो यहाँ पे मैंने कट लगाया है दरमियान में, और जो तीरा है उसको भी दरमियान में इस तरह से कट लगाएंगे। ये तो हमारे पास दो पीस हैं, इनको ओपन करेंगे, कमीज़ को भी ओपन करेंगे, और ये जो दो पीस हैं एक को सीधी तरफ और एक को उल्टी तरफ, और इस तरह से इस कट को मिलाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि जो कपड़ा हम लगा रहे हैं ऊपर नीचे, इसकी नीच साइड जो है कपड़े की वो बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ ना हो। तो हाफ इंच यहाँ पे अंदर कपड़ा करके तो इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे शुरू और एंड से पक्का करके। और ये दोनों साइडों से बिल्कुल गुम सिलाई की तरह तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड को इसके साथ जोड़ेंगे। तो बैक साइड के ऊपर इस तरह से फ्रंट साइड को रखेंगे, अंदर वाली जो है वो नीट साइड है और ये जो ऊपर है वो बैक साइड है। तो इसको यहाँ पे बराबर करके इस तरह रखेंगे। और यहाँ पे अब तीन कपड़े हैं, तीन कपड़े की तह हैं, दो को पकड़ेंगे इस तरह से, एक को अलग कर लेंगे। और ये जो एक है इसको इस तरह से टर्न करके, तो यहाँ पे दोबारा से आप देख लें, यहाँ पे दो को बराबर करके ये जो तीसरी है इसको घुमा के तो इसकी दूसरी साइड पे रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है, लेकिन मैं आपको दूसरी साइड का तीरा लगा के फिर से दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है। यहाँ पे सिलाई को शुरू करेंगे, और ये कपड़े तिरछे हैं, मतलब इनकी तिरछी कटिंग हुई है तीरे की, तो इनमें से किसी कपड़े को भी खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ के तीनों तहें बराबर करते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी करके सिलाई लगा लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसको बराबर करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पे किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। आप गर्मियों के कपड़े हैं, लॉन के कपड़े हैं, तो यहाँ पे कोई ज़ोर आजमाई नहीं करनी। ये ना हो कि यहाँ से कपड़ा न्यू कपड़े भी आजकल ऐसे आ रहे हैं कि फट जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से। अब इसको इसके अंदर से निकालना है, तो वो भी नरम हाथों से। ये मैं लॉन कॉटन के कपड़ों के लिए कह रही हूँ, जो मिक्स कपड़े आते हैं उनमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखें इस तरह से गुम सिलाई में हमारा तीरा लग के तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरी साइड का तीरा लगाएंगे, तो इसको भी इसकी नीट साइड अंदर है, और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, और तीरे की ये जो तीसरा कपड़ा है इसको घुमा के तो दूसरी तरफ रखेंगे इस तरह से।
आई होप कि अब आपको तीरा लगाने की समझ आज आ गई होगी। सेम पहले की तरह हम यहाँ पे भी तीनों कपड़ों को बराबर करते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी करके सिलाई लगाते जाएंगे। याद रहे कि यहाँ पे किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। तो इसको पक्का करके यहाँ पे सिलाई को छोड़ेंगे और इसको भी खोल लेंगे तो ये हमारा गुम सिलाई में तीरा लग जाएगा। अब हम लगाएंगे बैंड, बस वही रह गया है। तो यहाँ पे जो मैंने कटिंग करी है इसको यहाँ से बराबर करके तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट करेंगे तो देखेंगे ये कितना है, ये है 6.5। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच का तीरा लगाना है यानी कि 7 इंच का। तो यहाँ से बैक साइड से कटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर हमने करनी है तो यहाँ से कटिंग करेंगे आगे वाली साइड से। तो यहाँ पे मैंने तैयार बैंड लिया है जो कि रेडीमेड बना मिल जाता है। तो इसके 2 पीसेस हैं और ये पिन अप है, इसको ओपन करेंगे और इसमें जितना हमें बैंड चाहिए, तैयार बैंड हमें जितना चाहिए उसकी इसमें से कटिंग कर लेंगे और इसकी चौड़ाई उतनी रखते हैं जितनी हमने ऊपर वाली पट्टी की, कट वाली पट्टी की रखी थी, सेम उतनी ही। इसको गुलाई में इस तरह से माप के तो जितना एक्स्ट्रा है उतना कटिंग करते हैं। यहाँ मैंने 7 तैयार करना है 14, तो यहाँ पे मैं निशान लगा के तो एक पीस को कट करेंगे इस तरह से और इसी तरह से दूसरी साइड को भी कट कर देंगे। यहाँ पे आप शेप ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये इस तरह से रेडी होएगा। सेम ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे शेप अगर आपको कम लग रही है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये वाला बैंड कटिंग किया है सेम उसी तरह से बैंड का जो दूसरा पीस है इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हो चुके हैं दोनों रेडी। अब इनको लगाएंगे कपड़े पे। तो यहाँ मैंने डबल करके ये एक पीस लिया है कपड़े का, तो इसको बैंड को इसके ऊपर रख के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारी साइडों से 1/2 इंच तकरीबन यहाँ पे कपड़ा छोड़ा हुआ है। तो इसी तरह से आप भी कपड़ा लेंगे और दोनों तहें बैंड की रख के एक दूसरे के ऊपर इसको प्रेस करके, तो ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड को नीट भी कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे सिंगल फुट की लगाएंगे सिलाई इस तरह से फुल। निकाल के इस तरह तो इसको करेंगे फोल्ड जैसे कि हमने कपड़े पे तय बिठाई थी और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे पक्की करके और दूसरी साइड पे इसी जगह पे पक्की करके सिलाई को छोड़ेंगे। बिल्कुल साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ये बुकरम के ऊपर सिलाई को नहीं लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब यहाँ पे इसको कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे यहाँ पे। आई होप कि आपको मेरी इतनी लंबी वीडियो, इतनी ज़्यादा मेहनत आपको पसंद आई हो और अगर आपको बैंड लगाना ये वाला आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी लाजमी करिएगा अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो और अगर आपको समझ आ गई हो, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है अब तक की। इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और किनारे इसके ठीक कर लेंगे, इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है और इसके बाद नीचे से जिस शेप में हमारा बैन है उसी शेप में ये वाली कटिंग करेंगे और बिल्कुल नीटली एक जितना कपड़ा रखेंगे, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो। अगर ऐसा हो तो दोबारा से इसको इस तरह से नीट कर लें। ये हो चुका है, अब इसको दरमियान में कट लगाएंगे।
यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। लगाने से पहले अब हम इसको लगाएंगे कमीज पे, तो कमीज पे लगाने से पहले एक दफ़ा इसको चेक कर लें। अब यहाँ पे बैंड ज़्यादा है और कमीज का जो गोल राउंड पे गला हमने कट किया था इसको हाला भी कहते हैं, तो ये हमारा कम है, तो इस पे हम कटिंग करेंगे। कटिंग मैंने आपको पहले भी बताया था बैक साइड से नहीं करते, फ्रंट साइड से करते हैं, तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ फ्रंट साइड के गले को। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे और अब देखेंगे कि ये पूरा हो जाएगा। ये देखें हो जाएगा पूरा। अब इसको फोल्ड करेंगे बराबर करके इस तरह से, और इसको भी दरमियान में कट लगा लेंगे कि हमें हमारे दरमियान का पता चल जाए। अब इसको हम अंदर वाली साइड पे इस तरह से रख के तो लगाएंगे। जो बैंड का नीट वाली साइड होती है वो बाहर होती है, और जो कॉलर होता है उसके नीट वाली साइड अंदर की तरफ होती है, तो इसकी अंदर की तरफ मैं इसको बैंड को रख के तो सिलाई लगाऊंगी, और इसको जब बाहर करेंगे तो इसकी नीट वाली साइड बाहर चली जाएगी। इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे। इस वीडियो में बहुत डिटेल से ये वाला बैंड बनाना, गले की कटिंग करना और पट्टी बनाना सब बता दिया गया है। अगर आपको फिर भी कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ यूट्यूब के साथ साथ आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस तरह से इस बैंड को यहाँ पे पूरा करेंगे। जो हमने कट रखा था सेम वहाँ तक वो इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह, और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। अब यहाँ पे मैं ऊपर से सिलाई को शुरू करूँगी यहाँ दरमियान में से, और किनारे पे लेके आके और यहाँ से राउंड शेप में जिस तरह बैंड हमारा है उसी शेप में नीचे वाली सिलाई के ऊपर इसको रखते करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे, और उसके बाद इसके ऊपर की तरफ भी आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं डिज़ाइन में भी, तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं भी आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।